नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पंचायत का फंक्शंस, यानी कि पंचायती राज सिस्टम जो है वो किस तरीके से वर्क करती है। पंचायत के ऊपर आपने पूरा ओरिजिन एवोल्यूशन नहीं देखा है कि कितनी कमिटीज़ है और कैसे पंचायत का गठन हुआ, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, वहाँ से आप देख लीजिए, अदरवाइज आप आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। तो पहले ना हम थ्री टीयर पंचायत की बात करेंगे, जो ऊपर जो है जिला परिषद होता है, उसके बाद पंचायत यानी ब्लॉक आता है, फिर उसके बाद जो है विलेज लेवल पंचायत आता है। ठीक, तो इनके बारे में आप पढ़ लीजिए पहले अच्छे से लिंक आई बटन पर क्लिक करके, फिर हम पढ़ते हैं कि पंचायत का फंक्शंस क्या आता है, कि यानी पंचायत करता क्या है। देखिए, तो पंचायत एक इंस्टीट्यूशन है, किस चीज़ के लिए, स्टेट का लॉस वगैरह बताने के लिए, तो उसको कहते हैं पंचायती राज। ठीक, ये बताता है कि क्या फंक्शन रहेगा ग्राम पंचायत का और स्टेट क्या उसको ऑब्लिक करेगी फंक्शन करने के लिए। तो पंचायत का क्या क्या फंक्शन रहता है, तो देखिए सिविक फंक्शन क्या रिलेटेड टू सैनिटाइजेशन, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड जितना फंक्शन है, क्लीनिंग, ठीक है ना, पब्लिक रोड, क्लीनिंग ऑफ पब्लिक रोड, माइनर इरीगेशन से रिलेटेड, पब्लिक टॉयलेट्स, लेबोरेटरीज, प्राइमरी हेल्थ केयर, वैक्सीनेशन, तो सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कंस्ट्रक्टिव पब्लिक वेल्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, सोशल हेल्थ, प्राइमरी एंड एडल्ट एजुकेशन, ये सब चीज़ें जो है पंचायत करेगा, इसलिए गठित किया जाता है पंचायती को। देखिए ऑप्शनल फंक्शंस कुछ डिपेंड करता है कि वहाँ पर रिसोर्सेज कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर रिसोर्सेज है तो तुम चाइल्ड एंड मैटरनिटी वेलफेयर पे भी काम कर सकते हो, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर पे भी काम कर सकते हो, कैटल्स वगैरह के प्रमोशन पे भी काम कर सकते हो, ब्रीडिंग वगैरह से रिलेटेड, राइट। देखते हैं, तो ये भी आप देख लीजिए 73rd अमेंडमेंट, इसका स्कोप क्या रहा था, और जो कि आर्टिकल 243(2)-243(q) तक क्या डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये सब मैंने बना चुका है इसके ऊपर वीडियो, आप वहाँ से देख लीजिए। पंचायत का ये भी काम रहता है कि ये इंश्योर करे कि वहाँ के लोग जो है सही कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का यूज़ करें, जैसे कि चूल्हा हो गया, बायोगैस प्लांट हो गया, इन सब का वो सेटअप करें और यूज़ करें, गैस सिलेंडर वगैरह का यूज़ भी करें, इन सब चीज़ों को जो है पंचायत ही इंश्योर करेगी अपने छोटे लेवल पे। समिति का क्या पंचायत का रोल होता है, यानी कि फंक्शन होता है, उससे पहले मैं आपको दोबारा एक चीज़ में रिवाइज कि जो थ्री टीयर है, ऊपर जिला परिषद आ जाता है, बीच में जो है समिति आ जाता है ब्लॉक, और नीचे जो आ जाता है वो विलेज लेवल पे पंचायत आ जाता है। तो समिति ये देखिए सेकंड नंबर पर आता है। तो इसका क्या फंक्शन रहता है, देखिए समिति का फंक्शन होता है कि हब ऑफ द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, यहाँ पर जो है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती रहती है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है पढ़े लिखे के हाथ में होता है। ये क्यों, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, जिनको BDOs कहते हैं, BDO बाबू भी कहते हैं जिनको, वो ये काम कर रहे होते हैं डेवलपमेंट का। इसमें क्या है कि किस किस चीज़ों से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, जिनका फंक्शन होता है एग्रीकल्चर, लैंड इम्प्रूवमेंट, वाटर स्टेट डेवलपमेंट, सोशल एंड फार्म फॉरेस्ट्री, ये देखिए एजुकेशनल, टेक्निकल, वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि कौशल विकास से जुड़े शिक्षण होना चाहिए, ये सब इम्पोर्टेंट इसलिए है UPSC के लिए, चाहे BPSC के लिए, स्टेटमेंट में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है या फिर मेंस में डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ये तो अगर आप प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे तो ये सब चीज़ें जो है स्टेटमेंट में आता है कि पंचायत का या समिति का क्या वर्क है, तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, जब पता रहेगा तो आप स्टेटमेंट जो है करेक्ट कर पाएंगे। सेकेंड टाइप फंक्शन इनका क्या होता है कि देखिए कुछ स्पेसिफिक प्लान बनाना, ताकि वहाँ के लोगों के लिए पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सही रहे, प्रोग्राम वगैरह बनाना, स्कीम वगैरह लॉन्च करना, ठीक, कुछ थोड़े पैसे खर्च करना प्रोजेक्ट पे जो सरकार दे उसको, यही थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट जो इनका काम है ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट, आप इसे एक बार और पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है जिला परिषद एट द टॉप, कि जिला परिषद का क्या काम होता है। देखिए तो जिला परिषद का जो वर्क रहता है वो रहता है कि लिंक पंचायत समिति विद इन द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो पंचायत समिति है ब्लॉक BDO ऑफिस जो है वहाँ से इनका लिंक रहता है कहाँ तक, डिस्ट्रिक्ट तक, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटी, सुपरवाइजिंग द फंक्शन, यहाँ पर ये सब चीज़ों पर ध्यान रखना इनका कार्य होता है, बट ऐसा कहाँ, इंडिया में होता डेमोक्रेसी कंट्री है, कोई कुछ नहीं करता, तभी हमारे गाँव घर पिछड़े रह गए हैं अभी तक, और हम लोग यहीं गाँव में अभी तक पिछड़े हुए हैं, राइट। तो इनका ये काम होता है, अगर ये फंक्शन सही से करें, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर फंक्शन सही से करें तो
और इनका भी काम रहता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है प्लान जो है प्रिपेयर करना एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, नॉट अ समिति और BDOs लेवल, ठीक। इंटीग्रेट समिति प्लान इनटू डिस्ट्रिक्ट प्लान फॉर सबमिशन टू द स्टेट गवर्नमेंट, और डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाए और उसको जो है स्टेट गवर्नमेंट के समक्ष रखे कि हमने ये स्कीम और प्रोग्राम जो है प्रिपेयर किया है और इसके लिए हमें जो है पैसे फंड चाहिए, हम ये कराना चाहते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जिला परिषद देखिए डेवलपमेंट का वर्क पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखता है, यानी कि एक गांव वगैरह नहीं देखता और एक कोई समिति नहीं देखता, उसे पूरे डिस्ट्रिक्ट इंटायर डिस्ट्रिक्ट को लेकर चलना होता है। देखिए तो जिला परिषद का वर्क क्या होता है, तो जिला परिषद का वर्क होता है यहाँ पर इम्पोर्टेंस है सबसे पहले कि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे ध्यान दे और जो वाटर रिसोर्सेज ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एक्सप्लोड हो रहे हैं ख़त्म हो रहे हैं उन पे ध्यान दे, उसको दोबारा रीगेन करवाए, इलेक्ट्रिफिकेशन पे ध्यान दे, डिस्ट्रीब्यूशन इनिशिएटिव एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दे, एक ऐसे एक्टिविटी जनरेट कराए। बट डेमोक्रेसी है यहाँ, सबको पता है कि क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है कि जब अनक्वालिफाइड पर्सन आएगा देश के अंदर तो क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएगा भैया। कंस्ट्रक्ट रोड वगैरह करे ठीक, अदर पब्लिक वर्क में वो ध्यान दे, पर जितना ये वर्क लिखा हुआ है खाली किताबों में लिखा हुआ 11th के और 12th की किताब। देखिए और भी वो एक्टिविटी फॉलो करे, जैसे कि देखिए वेलफेयर से रिलेटेड एक्टिविटी फॉलो करे, जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज आ गए, डिजास्टर आ गया, भूकंप आ गया या फ्लड आ गया तो उसको वो निजात दिलाए, लोगों की मदद करे, स्कार्सिटी से रिलेटेड जो है वर्क करे ठीक, और फिनेज एंड पुअर होम्स जिनके हैं उनके लिए वो मदद करे, नाइट शेल्टर्स बनाए और वेलफेयर फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए वर्क करे, चिल्ड्रन के लिए स्कीम वगैरह लाए, वुमेन्स के लिए पढ़ने के लिए स्कीम लाए रूरल एरिया में। अभी भी हमारे रूरल गांव में अगर देखेंगे, मेरे गांव में देखेंगे तो अब बहुत सारे लोग हैं जो अभी एजुकेशन से उनकी पहुंच नहीं है दूर दूर तक, और बच्चे भी हैं जिनके एजुकेशन से पहुँच नहीं है, स्कूल नहीं है गाँव में ठीक, तो इन सब चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट कराए। बट मैंने आपको पहले बताया ये खाली 11th और 12th के NCERT के बुकों में नहीं थे ये सारे जो चीज़ें दी गई हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है देखिए ये आपको याद रखने वाली बात है, ये आपके जो है UPSC में, किसमें UPSC में क्वेश्चन पूछा गया है स्टेटमेंट में कि जिला परिषद का फंक्शन देखिए कहाँ तक कैसे वो फंक्शन करता है। तो देखिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको स्पॉन्सर करते हैं उसके प्रोग्राम को, अपने जेब से पैसे नहीं लगाना, सेंट्रल गवर्नमेंट उस प्रोग्राम को जो स्कीम बनाते हैं उसको स्पॉन्सर करती है, उसको फंड देती है, उसके ऊपर वो कार्य करना। जैसे एग्जाम्पल जवाहर रोजगार योजना है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो मनी जो है डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है किसके द्वारा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट देती है। बट कहाँ पर जहाँ पर ये जो है इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता, क्योंकि ये डेमोक्रेसी कंट्री है और लोग यहाँ पर पैसे जो है खा जाते हैं, दूसरे का हक जो है मारने के लिए तैयार रहते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि और मुझे क्या इसके प्रोडक्ट जो है चेंजेस करने चाहिए।